सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपने वेबसाइट में कहीं पे भी अपना स्लाइडर लगा सकते हैं, इमेज स्लाइडर हो या वीडियो स्लाइडर हो। ठीक है, तो ये कैसे स्लाइडर हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पूरा वीडियो में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो स्लाइडर है आप कहीं पर भी लगा सकते हो और किसी भी थीम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये चाहे वो प्रीबिल्ड स्लाइडर के साथ हो या फिर आपका थीम प्रीबिल्ड स्लाइडर के साथ नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना जो वेबसाइट के वर्डप्रेस है उस वर्डप्रेस में आपको डैशबोर्ड में चला जाना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे अपना वेबसाइट है, ये आपका वेबसाइट दिख रहा है, मेरा जो वेबसाइट है वीवी सोसाइटी, इसको अगर हम होम पेज में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कोई भी अभी यहाँ पे फिलहाल कोई भी स्लाइडर यहाँ पे लगा नहीं है। ठीक है, तो इसी में हम लगाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो अपना वर्डप्रेस जहाँ पे आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो यहाँ पे चला जाना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड, उसमें आपको एक एलिमेंटर पेज, जो पेज बिल्डर होता है एलिमेंटर को आपको पहले आपका वर्डप्रेस में होना चाहिए। और दूसरा जो और एक ऐप है आप वो इसमें से देख लीजिए, जैसे कि मैं प्लगइन में जाऊँगा और यहाँ पर एड न्यू, ठीक है, एड न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ मैं पहले आपको दिखाता हूँ जो एलिमेंटर है, आपको यहाँ पे सर्च कर देना है एलिमेंटर। जब भी आप एलिमेंटर सर्च करेंगे, अगर आपके ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है एलिमेंटर, तो यहाँ में सर्च करके इन एलिमेंटर सर्च करना है और आपको यहाँ पे जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्टिव भी कर देना है। उसके बाद और एक जो प्लगइन है वो आपको चुन लेना है, जो कि प्लगइन का नाम है स्मार्ट स्लाइडर। ठीक है, आपको स्मार्ट स्लाइडर सर्च कर लेना है। जब भी आप स्मार्ट स्लाइडर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए स्मार्ट स्लाइडर 3, आपको इसको एक्टिव करवाना है, इंस्टॉल करके एक्टिव करवाना है। तो मेरा पहले से इंस्टॉल एंड एक्टिव है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी भी फिर भी आपको इंस्टॉल कर लेने के बाद ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेज न्यू में जहाँ पे आपका पेज है वहाँ में आपको चले जाना है और यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जो होम पेज है, होम पेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी आपको पेज जो एडिट करना है वो एडिट हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो स्मार्ट स्लाइडर है आपको स्मार्ट स्लाइडर में जाना है और यहाँ पे अपना जो स्लाइडर है स्लाइडर को डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन हम कैसे करेंगे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप नया डिज़ाइन बना सकते हो या फिर जो पहले से बना हुआ है बस उसमें आप एडिट भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अपना जो स्लाइडर पहले से बना हुआ है उसी में एडिट करेंगे और डेमो के लिए वही आपको बना के दिखाने वाले। अगर आप चाहते हो नया बनाना तो बना सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना, एडिट में क्लिक करेंगे, ये जो ये प्रीबिल्ड स्मार्ट स्लाइडर है इसमें हम क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे आपको एडिट करना है। ठीक है, तो एडिट करने के स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए तीन फोटो लगा हुआ है पहले से, तो उसी में हम एडिट करेंगे। जो पहला वाला है इसको हम एडिट करेंगे, इसमें जो मेरा पिक्चर है यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे पहले से जो प्रीबिल्ड पिक्चर है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ में फ़ोटो एडिट करने के ऑप्शन दे देगा, जैसे कि यहाँ पे इमेज बटन जो है उसमें क्लिक करना है और आपको जो फ़ोटो आपको लगाना है वो आपको यहाँ में इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमने ये पहला वाला फ़ोटो हमने लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद लगा देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम जो भी आप एडिट करवाना चाहते हो अपने हिसाब से वो आप यहाँ में से इजीली एडिट कर सकते हो और जो भी डिज़ाइन आपको देना है वो डिज़ाइन दे सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहीं पे रखता हूँ और यहाँ पे इतना करके मैं आपको ऊपर में जो सेव बटन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल एंड सेव, आपको सेव में क्लिक कर देना। ठीक है, जब सेव में क्लिक करने का आपका जो पेज है वो सेव हो जाएगा, स्लाइडर सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिलहाल हम फिर से जाएंगे बैक, बैक में जाने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा जो पिक्चर है हम दूसरा पिक्चर में भी अपना जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे लगाने वाला है। ठीक है, फटाफट हमने जो भी पिक्चर है तीन पिक्चर में लगाने वाला, फटाफट एक एक करके सेव करूँगा और फोटो भी लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ तीनों फोटो इम्पोर्ट कर लेने के बाद सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव हो गया हमारा तीनों फोटो, आप यहाँ पे सेव हो गया, आप बैक कर लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद आपको फिर से सेव करवा देना। ठीक है, देखिए आपका जो है स्लाइडर है वो सेव हो चुका है। उसके बाद हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं, स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड में, यहाँ पे आपको स्लाइडर बना हुआ है और बन आपका जो स्लाइडर है वो डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, फिलहाल आपको पेज में जाना है और यहाँ पे आपका जो पेज है अपना जहाँ पे जिस पेज में आप स्मार्ट स्लाइडर को लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और एडिट में चला जाना, जैसे कि मैं होम पेज में एडिट करता हूँ, मेरा होम पेज में लगाने वाला हूँ। ठीक है, एडिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एलिमेंटर से आपको इसको एडिट करना है, देखिए एडिट विथ एलिमेंटर में क्लिक कर देना। अगर आपका एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है तो आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा होगा एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक बटन ले लेना है जो आपका स्पेस है, स्पेस ले लेना है। उसके बाद
यहाँ पे यहाँ में से आपको सर्च करना है जो स्मार्ट स्लाइडर करके एक ऑप्शन आएगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए स्मार्ट स्लाइडर का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके हम यहाँ पे स्पेस में जाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको जो स्लाइडर जितना बना होगा उसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा पहला वाला है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और आपको मेरा स्लाइडर आपको यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो ये आप कहीं पर भी लगा सकते हो, अपने पेज के नीचे ऊपर पूरा पेज में जहाँ पे आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो मेरा जो स्लाइडर है मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ और इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ, ठीक है। अपडेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो पेज मैंने अभी स्लाइडर लगाया है वो आपको स्लाइडर यहाँ पे शो होगा मेरा वेबसाइट में, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये स्लाइडर दिख रहा होगा, लेकिन हमारा जो स्लाइडर है ये सिर्फ कुछ सेक्शन में, मैं चाहता हूँ कि पूरा पेज में मेरा जो स्लाइडर है वो शो हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का बटन दिख रहा होगा एलिमेंटर में, सेटिंग्स में, उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, देखिए एलिमेंट जो फुल वेट में आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फुल वेट में सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो स्लाइडर है वो पूरा फुल वेट मतलब फुल पेज में दिखाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद अपडेट करना है और अपना जो वेबसाइट है मैं फिर से एक बार इसको अपडेट करता हूँ मतलब रिफ्रेश करता हूँ तो आपको मेरा जो स्लाइडर है वो पूरा पेज में आपको दिख रहा होगा। देखिए हमने पूरा पेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग अपना जो वेबसाइट है वेबसाइट में कहीं पे भी हम अपना थीम लगा सकते हैं प्री बिल्ड करके, चाहे होम पेज में हो चाहे फुटर में हो, जहाँ पे आप लगाना चाहते हो आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग अपना वेबसाइट में कहीं किसी भी थीम में हम इजीली लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।